ब्रह्मदेव। देवी सरस्वती, शुम निशुम के अत्याचार अपनी चरम सीमा तक पहुंच गए हैं, हमें शीघ्र ही कैलाश जाना होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मदेव, इच्छा का सम्मान करते हुए देवी पार्वती से रुक्ष व्यवहार करते हुए उन्हें काली कहा, उनकी तपस्या सफल करके शुंभ निशुंभ के अंत का उपाय करें। जैसी आपकी इच्छा देवेश्वर। देवी पार्वती। ब्रह्मदेव प्रणाम। देवी पार्वती, आपकी तपस्या सफल हुई। आपने मेरी पुकार पर मुझे दर्शन देने की कृपा की, इससे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। ताकि सफलता तब मानी जाएगी ब्रह्मदेव, जब आप मुझे मेरा पूर्व वर्ण और रूप पुनः प्रदान करेंगे। मैं शिवाज्ञा से इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ देवी। यदि आप काली का रूप भी शिव इच्छा से ही मिला था। ब्रह्मदेव, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब मैं क्या उत्तर दूं देवी, कि कोई भी कार्य शिव इच्छा के बिना नहीं होता। ब्रह्मदेव, कृपा कर मुझे ये बताएं कि क्या थी वो शिव इच्छा जिसके कारण मुझे श्याम वर्ण प्राप्त हुआ और ये कठोर यातना भुगतनी पड़ी। बताएं ब्रह्मदेव, बताएं। ये यातना नहीं, एक कर्तव्य था देवी। कर्तव्य पूर्ण होने जा रहा है वरदान से। हाँ देवी, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आपके श्याम वर्ण से श्याम वर्ण वाली एक अजन्मा दिव्य कन्या उत्पन्न हुई और आपको अपना गौरवर्ण एवं आपसे उत्पन्न इस अजन्मा दिव्य कन्या का नाम कौशिकी है। कौशिकी? हाँ, कौशिकी। यही कौशिकी पृथ्वी पर अत्याचारों की सीमा लांघ जाने वाले। मुझे काली बनाने का उद्देश्य कौशिकी को प्रकट करना था। आप स्वयं जानती हैं देवी पार्वती कि शिव की लीला सदैव अद्भुत होती है। देवी कौशिकी, आप इस शिखर पर निवास करें, घटना प्रवाह और समय की गति के साथ शुम निशुम अपने वध के लिए प्रेरित होकर आपके सम्मुख स्वयं आ जाएंगे। देवी पार्वती, शिवजी शिवगण सहित कैलाश और ब्रह्मदेव, मैं भी आपके आदेशानुसार इसी पर्वत शिखर पर निवास करूंगी। मेरी मंगल कामनाएं आप दोनों के साथ। पुत्री कौशिकी, सामने शिखर पर अपना प्रासाद बनाकर निर्भय होकर रहो। तुम भी शक्ति का प्रतीक हो और यदि मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे स्मरण करना, मैं अवश्य आऊंगी। मुझे यहाँ रहकर विधि की इच्छा और अपने दायित्व को पूरा करना ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः।
नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।